दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको करवाने वाला हूँ एक सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें लिखा हुआ है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR बराबर MR बराबर P बराबर DQ होता है। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपका AR बराबर MR क्यों होता है, ये भी पूछ सकता है, या AR बराबर MR बराबर P होता है, ये भी पूछ सकता है, या AR बराबर MR बराबर P बराबर D होता है, ये भी पूछ सकता है। जहां तक देखा गया ये वाला पूछता है, ठीक है। तो इसका फटाफट से आज सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए आपके लिए। देखो क्वेश्चन तो हमारे पास है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR बराबर MR बराबर P बराबर D क्यों होता है। तो देखो पहले डेफिनेशन कवर कर लेते हैं, डेफिनेशन हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या कहती है, इट रेफर्स टू अ मार्केट मार्केट सिचुएशन। ये उस मार्केट सिचुएशन की बात कर रहा है, उस मार्केट की बात कर रहा है वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, बायर और सेलर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, जो कि डील करते हैं किसमें, होमोजीनियस प्रोडक्ट में। होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेटरोजीनियस होता है। तो ये जो डील करता है वो होमोजीनियस में करता है, इसका मतलब सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं, सबके पास एक जैसे गुड्स होंगे, और एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। यानी प्राइस भी क्या होता है यहाँ पे, फिक्स्ड होता है, यानी सेम प्राइस होगा, सेम प्रोडक्ट होगा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, तो हमारा क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है। इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, वो तो हम मेन चैप्टर में समझेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं कि परफेक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, जो कि एक जैसे प्रोडक्ट में डील करते हैं, और उनका प्राइस भी क्या होता है, एक जैसा होता है। यहां तक तो वो दिक्कत नहीं। इसका मतलब जो प्राइस है उसे फिक्स्ड कौन कर रहा है, फिक्स्ड बाय इंडस्ट्री। प्राइस जो फिक्स कर रहा है बाय द इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री को क्या कर रही है, फिक्स कर रही है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो इंडस्ट्री हमारा क्या होता है, एक तरह से ब्रॉड डेफिनेशन है, इंडस्ट्री एक बड़ी चीज है, और उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, ये हमारी क्या होती है, फर्मे होती है, क्या होती है, फर्मे। इसका मतलब फर्मे छोटे और इंडस्ट्री बड़ी होती है, क्लियर। अब मान लो दो तीन फर्मे अगर कह रही है, जिद कर रही है कि हमें तो नहीं ये प्राइस मानना ही नहीं है जो आपने माना है, जो आपने बोला कि ये प्राइस ये गुड्स इतने में बिकेगा, हम नहीं मान रहे, तो दो तीन फर्मे अगर ऐसा कोई अगेंस्ट चले भी जाए तो भी वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, क्लियर हो गया। अगर दो चार फर्म अगर इंडस्ट्री अगेंस्ट जाना भी चाहे तो भी वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, क्लियर। तो हमने बोला प्राइस जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं क्या आपको शेड्यूल लेनी, टेबल बना के दिखाता हूँ। देखो मैंने कहा 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर। साथ साथ में मैंने लिया प्राइस, प्राइस क्या बोला उसने कि प्राइस फिक्स लेना है आपको, तो फिक्स ले लेते हैं। चलो एक काम करो 2 को ले लेते हैं, प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे, फिक्स रहेगा। देखो मैंने प्राइस फिक्स किया। अब मुझे ध्यान होगा कि जब मैंने रिवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ मैंने पढ़ा था कि प्राइस और AR तो दोनों ही एक ही बात होती है, यानी प्राइस और रिवेन्यू तो आपस में वैसे ही बराबर होते हैं, ठीक है। रिवेन्यू वाला चैप्टर कहता है कि हमारा AR और प्राइस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब वहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जो हमारा टोटल रिवेन्यू जनरेट होता है वो कैसे होता है, जब हम एवरेज रिवेन्यू को क्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी AR को अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलता है, TR निकलता है, और TR एक तरीके से और निकल सकता है, वो है हमारा P को अगर मैं क्यू से गुणा कर दूं, तो P को अगर मैं क्यू से गुणा कर दूं, यानी प्राइस और क्वांटिटी। आपने मान लो 15 क्वांटिटी बेची, प्राइस था उसको 10 रुपये, तो टोटल रिवेन्यू कितना कमाया आपने, 150 रुपये। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी से भी रिवेन्यू निकल सकता है, AR क्यू से भी TR निकल सकता है, ठीक है। तो हमारा AR और PA आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमने वहां पे भी सीखा था, ठीक है। अलग वे में भी सीखा होगा तो यही होगा लगभग सेम, डन। यानी हमारा ये दो तो समझ में आ गया, यानी AR और P तो आपस में देखो बराबर हो ही रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अब मैं TR निकाल लेता हूँ। TR क्या होता है, मैंने कहा TR का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू बोलो या AR इंटू क्यू बोलो। तो 2 1 2, 2 2 4, 6 8 और 10, डन। MR कैसे निकलता है, MR मैंने आपको सिखाया है TRN में से TRN माइनस 1 घटाना है, नीचे से ऊपर घटाओ। तो पहले वाले में क्या होता है, सब सेम होते हैं, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद घटाओ, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। यानी हमारा MR भी AR और P के बराबर है, क्लियर हो रहा है ना। देखो क्या हुआ, प्राइस फिक्स होने के कारण हमारा AR बराबर हमारा MR होता है, मेन रीजन इसका ये है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा,
इसका डायग्राम भी बनाने वाला हूँ मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये फटाफट से आप उतार लो, मैं इसका डायग्राम ये साइड में बना के दिखा देता हूँ जो इसका कर्व बनने वाला है। यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे आपने जीरो रख लिया, इधर आपने प्राइस, या आप रिवेन्यू रखना चाहते हो तो रिवेन्यू, क्लियर। यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा किसमें, यूनिट्स की फॉर्म में, यहाँ तक आप कर लोगे। और जो परफेक्ट कंपटीशन का जो डायग्राम जाता है वो कैसे किस तरह जाता है, बिल्कुल सीधे। और ये हमारे क्या होता था, डिमांड कर्व भी होता था, इसको क्या बोलते थे हम, डिमांड कर्व भी बोलते थे। तो ये हमारे डी तो हो गया एक तरीके से, क्लियर है ना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व देखो इसी तरह से बनता था, ठीक है ना। ये हमारा डी भी हो गया, और ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो हमारा डायग्राम होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों होता है, क्योंकि हमारा प्राइस तो सेम है ना, प्राइस तो 2 रुपए ही है, ठीक है, प्राइस तो 2 रुपए है, तो 2 2 2 है तो 2 ही रहेगा प्राइस तो हमेशा, चाहे आप कितने भी क्वांटिटी आगे खरीद लो, ठीक है। तो प्राइस क्या रहता है यहाँ पे, सेम। इसलिए हमारा ए आर बराबर एम आर बराबर पी, और उसको डी तो बोलते ही है डिमांड कर्व, तो डी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये आपको शेड्यूल यानी इसका टेबल समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपके इसमें आता है, चाहे बी ए बी कॉम लेवल पे आए, चाहे आपका किसी भी लेवल पे अगर आता है, 11th लेवल पे भी आता है, तो आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, एक और क्वेश्चन पे आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।